वीके न्यूज राष्ट्र के नाम। नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। किसी ने क्या खूब कहा है, कागज की नाव आज न डूबी कल डूबी। कुछ यही हाल तो नजर आते हैं कांग्रेस सरकार के। जिसको पतवार संभालनी थी उसे पूरी पार्टी संभालने में लगी है, पर ना वो संभाल रहे हैं और ना कांग्रेस की नैया। यही वजह है कि लोग भी अब जान चुके हैं कि काठ की घोड़ी पांव नहीं चलती और लकड़ी की तलवार वार नहीं करती। खैर, कांग्रेस के लिए अब अपने ही दो राज्य के मुख्यमंत्री संभाले नहीं संभल रहे। ऐसे में जो काज सोनिया राहुल ना कर पाए तो गहलोत को मोदी सुहाए। जी हाँ, राजनीति में कहा जाता है कि वो मुझको भाई नहीं, उनके बिन भी सुहाए नहीं। और ऐसा ही कुछ अब नजर आ रहा है राजस्थान में। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार से गुहार लगाई है। उन्हें उम्मीद है कि जो काम सोनिया ना कर पाई वो काम मोदी कर देंगे। दरअसल गहलोत सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर मांग की है कि छत्तीसगढ़ में उसे आवंटित कोल ब्लॉक में खनन की अनुमति दिलवा दी जाए। हैरानी की बात तो यह है कि इससे पहले राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल को मनाने के लिए कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को भी पत्र लिखा था, पर कोई हल नहीं निकला। जब सोनिया के दरवाजे से गहलोत खाली लौटे तो भागे भागे अब केंद्र के पास पहुंचे हैं। कमाल की बात तो ये कि जिन दो राज्यों के बीच ये सियासी संग्राम चल रहा है उन दोनों में ही कांग्रेस का राज है। एक तरफ गहलोत हैं तो दूसरी तरफ बघेल हैं और बीच में कांग्रेस की सर्वेसर्वा सोनिया गांधी। इसके बावजूद सहमति नहीं बन पा रही। बता दें कि राजस्थान ने परसा ईस्ट एंड कांते बेसिन ब्लॉक में अगले चरण के कोयला खनन के लिए छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल से मंजूरी दिलाने को लेकर अब केंद्र से गुहार लगाई। राजस्थान में ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुबोध अग्रवाल ने 31 दिसंबर को जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव आरपी गुप्ता को छत्तीसगढ़ सरकार से पीईकेबी ब्लॉक के विस्तार के लिए जमीन आवंटन और जरूरी मंजूरियां दिलाने को पत्र लिखा। इसमें राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की थर्मल इकाइयों से सहज बिजली उत्पादन के लिए पीईकेबी ब्लॉक में 1136 हेक्टेयर जमीन मिलना जरूरी है। बता दें कि बीते महीने ही केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक समिति ने छत्तीसगढ़ में राजस्थान के परसा ईस्ट एंड कांते बेसिन कोयला खनन के दूसरे चरण को पर्यावरण मंजूरी दी थी, लेकिन भूपेश बघेल ने जरूरी स्वीकृतियां अटका रखी है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ परस ब्लॉक में खनन की मंजूरी के विरोध में वहां के आदिवासी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आदिवासी ग्रामीणों की मांग है कि खनन की मंजूरी पर रोक लगा दी जाए, क्योंकि यदि खनन की अनुमति मिलती है तो उससे क्षेत्र के लोग प्रभावित होंगे। ऐसे में बघेल भी अब मझधार में फंसे हुए हैं। अगर वो मंजूरी देंगे तो जिस आदिवासी समुदाय के विकास की वो बात करते हैं उन्हें क्या जवाब देंगे, और गहलोत का साथ नहीं देंगे तो जाहिर सी बात है कि पार्टी में तल्खियां बढ़ सकती है। उधर गहलोत भी परेशान है। ऐसे में वो अब मोदी के दर पर आए हैं। देखना होगा कि केंद्र सरकार क्या फैसला लेती है। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए वीके न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज राष्ट्र के नाम।